हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपी ट्रिपल एससी अड्डा। आज मैं आपको मिश्रण का एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, जो कि आपके चाहे यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्ज़ाम हो, या फिर यूपी प्लस का कोई एग्ज़ाम हो, या फिर रेलवे का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, मिश्रण के क्वेश्चन हर बार इस तरह के पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है जिस पर बेस्ड है ये, और मोस्टली क्वेश्चन इसी पर लग जाते हैं। चलिए तो आइए डिस्कस कर लेते हैं। उस कॉन्सेप्ट को बताने से पहले एक छोटी सी चीज आपको बताऊंगा कि मान लीजिए कि एक पॉट है, ठीक है, एक पॉट है या एक वेसल है जिसके अंदर भरा हुआ है पानी और दूध। पानी और दूध भरा हुआ है। मान लीजिए पानी और दूध का जो रेशियो है 1:2 है। 1:2 से मतलब ये हो सकता है कि अगर पानी 5 लीटर है तो दूध क्या हो जाएगा, 10 लीटर हो जाएगा। अगर पानी 10 लीटर है तो दूध क्या हो जाएगा, 20 लीटर। यानी कि ये रेशियो होता है, आप समझते ही हो, आप इसको जानते हो रेशियो क्या होता है, ठीक है। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है इसी पर बेस्ड है। पानी और दूध इसमें मिला हुआ है। मान लीजिए टोटल जो क्वांटिटी है वो 50 लीटर का है और इसमें जो रेशियो दिया हुआ है वो है 1:2 का। अब आप बताओ कि अगर इसमें से मैंने 20 लीटर निकाल दिया, ठीक है, 20 लीटर निकाल दिया तो अब कितना बचा इसमें, 20 लीटर निकाल दिया तो अब आपके पास बचा 30 लीटर। जो मिश्रण हमारे पास बचा है वो 30 लीटर। अब इसमें बताओ कि दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा। पानी और दूध का जो अनुपात होगा तब भी वही रहेगा, 1:2, ठीक है। तो जो हमारा कॉन्सेप्ट है सिंपली वो है क्या कि अगर कोई मिश्रण किसी भी अनुपात में दिया हुआ है, मान लीजिए 1:B में दिया हुआ है, एक मिश्रण है एक्स, टोटल मान लीजिए क्वांटिटी एक्स है और वो 1 और 2 के अनुपात में दिया हुआ है। मिश्रण से चाहे हम कुछ भी निकाल लें, चाहे हम 10 लीटर निकाल लें, चाहे 50 लीटर निकाल लें, या फिर उसमें चाहे ऐड कर दें, रेशियो हमारा कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। मान लीजिए 50 लीटर था और इसमें अगर हम 10 लीटर मिश्रण और ऐड कर दें, 60 लीटर टोटल हो जाता है, तब भी जो पानी और दूध का अनुपात रहेगा वो 1:2 रहेगा, ठीक। अगर 50 में से हमने 10 निकाल लिया, उसमें से अगर ये 40 है तब भी जो हमारा रेशियो है वो 1:2 ही रहेगा, ठीक है। तो इसी पर कॉन्सेप्ट हमारा है, इस तरह से हम क्वेश्चन को लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है वो है 100 लीटर मिश्रण है, किसका, पानी का और दूध का। क्वेश्चन पढ़ लेते पूरा। 100 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा 10% तथा शेष दूध है, इसमें कितना और पानी डालें ताकि प्राप्त मिश्रण में दूध की मात्रा 50% रह जाए, ठीक है। द अमाउंट ऑफ वाटर इन 100 लीटर मिक्सचर इज 10% एंड द रिमेनिंग इज मिल्क। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड इन टू द मिक्सचर सो दैट द अमाउंट ऑफ द मिल्क इन द मिक्सचर बिकम 50%। अभी आप देखो जो मिश्रण है, मिश्रण वो टोटल कितना है, 100 लीटर है। पानी, पानी कितना है, 10%। 10% अगर पानी है तो शेष जो दूध है तो दूध कितने परसेंट हो जाएगा, 90%, ठीक है। यानी कि पानी और दूध का जो अनुपात है वो है 1:9, ये आपको समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। इसमें कितना और पानी डालें ताकि प्राप्त मिश्रण में दूध की मात्रा 50% हो जाए। अभी जो हमारा करंट में है, ठीक है, देखो करंट में मतलब अभी जो हमारा पानी और दूध का जो रेशियो है वो 1:9 है। बाद का क्या हो जाएगा, बाद का क्या कह रहा है कि पानी और दूध का जो अनुपात है वो क्या हो जाएगा, 50% अगर दूध है तो पानी क्या हो जाएगा, 50%। यानी कि ये 50%
और 50%, ठीक है, यानी कि 1:1, ठीक है, यानी कि बराबर हो जाए, पानी बराबर और दूध बराबर हो जाए। ठीक है, देखो जो मिश्रण है, हमने जो कॉन्सेप्ट बताया है उसमें क्या है, जो मिश्रण है उसमें देखो क्या चीज़ चेंज नहीं हो रहा है। इसमें पानी मिलाया जा रहा है, दूध तो मिलाया नहीं जा रहा है, यानी कि दूध चाहे पहले देख लो और चाहे बाद का देख लो, हमेशा दूध क्या है, सेम ही रहेगा। जब दूध हमारा सेम है तो हमें अब क्वेश्चन को करना है, कैसे करना है कि पहले कितना दूध है, पहले हमारा कितना दूध है, 9, क्वांटिटी कितना है, 9, और टोटल क्वांटिटी मान लीजिए हमारा 10 है, क्योंकि देखो एक मान लो एक पानी है और 9 दूध है, तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 में 9 दूध है, ठीक है, यानी कि 9/10 दूध है, कितने का टोटल क्वांटिटी कितना है, मिश्रण कितना है, 100 है, बराबर हो जाएगा क्या, अभी क्या है, लास्ट में दूध भी उतना ही होना चाहिए, अब दूध कितना है, अब दूध कितना है, 1, कितने में टोटल में, 2 में, टोटल हो जाएगा यहाँ पर 2, 1 1 2, अब उसमें यानी कि 1/2 हो जाएगा, कितने में, देखो 100 तो था ही, 100 में कह रहा है कि कितना पानी और डाल दे, तो मान लो कि मैंने x पानी डाल दिया, ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, देखो इसको कट कर लो, इसे कट कर लो, ये हमारा हो जाएगा 90 बराबर 100 + x/2, 2 हमारा इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 180 बराबर 100 + x, ठीक है, तो 180 - 100 = x, तो x की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 80, यानी कि हमने जो पानी मिलाया है वो कितना मिलाया है, 80 लीटर का मिलाया है। तो अभी तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें क्या करते हैं, जो मैंने आपको ये बताया है सिंपल सा, ये जो फॉर्मूला आपको बताया है, जो क्वांटिटी चेंज नहीं होती है, ठीक है, इसमें आपने ध्यान से देखा कि इसमें पानी मिलाया जा रहा है, यानी कि दूध कभी चेंज हो ही नहीं रहा है, अगर 10 लीटर दूध पहले था तो 10 लीटर दूध बाद में भी रहेगा, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, एक मिश्रण में अम्ल और पानी की मात्रा का अनुपात 1:3 है, यदि उसी मिश्रण में 5 लीटर अम्ल और डाल दिया जाए तो मिश्रण का अनुपात 1:2 हो जाएगा, ठीक है, तदनुसार उस मिश्रण की कुल मात्रा कितने लीटर है। ठीक है, मान लीजिए अम्ल अम्ल और पानी का जो अनुपात, ठीक है, अभी का अनुपात क्या है, 1:3, बाद का अनुपात क्या हो जाएगा, 1:2, ठीक है, बताओ चेंज क्या हो रहा है, इसमें चेंज क्या हो रहा है, 5 लीटर अम्ल मिलाया जा रहा है, यानी कि पानी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, यानी कि अम्ल इसमें चेंज हो रहा है, हमने बताया भी कि जो चेंज नहीं होता है हम उसी को लेकर के इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है, जो चेंज नहीं हो रहा है उसी को लेकर के हम इक्वेशन बनाते हैं, तो अम्ल चेंज हो रहा है, पानी चेंज नहीं हो रही है, अभी पानी यहाँ कितना है, 3 है, और टोटल क्या है, 1 और 3 क्या आ जाता है, 4, ठीक है, अभी क्या है कि 3/4 ये हो गया क्या है, पानी है, कितने में पानी, मान लो कि टोटल है मिश्रण क्या है, मान लो टोटल मिश्रण क्या है, एक्स है, यानी कि 3/4, एक्स का 3/4 हमारा पानी हो गया, ये बराबर है कितने के, बाद में जो पानी होगी, यानी कि 1/2 है, यानी कि 2 पानी है, 2/3, ठीक है, अब एक्स क्या है, इसमें 5 लीटर और मिला दिया गया, यानी कि पहले जो एक्स था उसमें 5 लीटर और ऐड कर लिया गया, अब वो चाहे कुछ भी हो, चाहे अम्ल हो, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, अभी क्या है, अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, ये क्या हो जाएगा कि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, 3×3 = 9x बराबर क्या हो जाएगा, 4×2 = 8, ठीक है, 8, और ये हो जाएगा x+5,
तो 9x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8x प्लस 40। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा आ जाएगा 40। x की वैल्यू हमारी आ गई 40। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उस नए मिश्रण की कुल मात्रा कितने लीटर है। तो अभी ये जो मिश्रण हमने माना है x, वो तो पुराना मिश्रण है, पहले था, 5 लीटर उसमें अम्ल और ऐड कर दिया गया, तो 40 और प्लस 5 लीटर और, तो हमारा आंसर आ गया 45। ठीक है, तो ये आंसर सही हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या है कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है, 10 लीटर मिश्रण इसमें से निकाला जाता है और 10 लीटर इसमें पानी मिला दिया जाता है। जैसे इसने क्वेश्चन को आपने देखा तो आपको पता चलेगा कि चेंज क्या नहीं हो रहा है, दूध चेंज नहीं हो रहा है इसमें। जो चेंज नहीं हो रहा वो क्या है, दूध है। तो दूध और पानी का जो अनुपात है, अभी का अनुपात क्या है, 3:2, बाद का अनुपात क्या है, 2:3। ठीक है, तो फिर क्या कह रहा है कि बर्तन में मिश्रण की मात्रा ज्ञात करनी है। अभी का अनुपात दूध और पानी का है 2:3, चेंज क्या नहीं हो रहा है, दूध चेंज नहीं हो रहा है, तो दूध को हम सबसे ऊपर लिख लेंगे, यानी कि 3/2, टोटल अमाउंट क्या है, 3 2 5। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई, मान लो कि टोटल जो अभी करंट में था उस वक्त वो था टोटल एक्स। ठीक है, 10 लीटर इसमें से मिश्रण निकाल दिया जाता है। अब ये बताओ, अगर 10 लीटर आप मिश्रण निकाल दोगे, ठीक है, 10 लीटर मिश्रण निकाल दोगे, तब भी तो रेशियो वही रहेगा। तो चलो ये मैंने कर लिया, एक्स में से 10 को निकाल दिया, तब भी तो रेशियो वही रहेगा। शुरुआत मैंने आपको बताया है कि मिश्रण में से अगर कितना भी अमाउंट आप निकाल दो, हमेशा जो दो क्वांटिटी होती हैं, चाहे दूध और पानी हो, उनका रेशियो कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो 10 लीटर अगर मिश्रण निकाल दिया जाए, तब भी रेशियो वही आएगा। अब क्या हो जाएगा, फिर से अब क्या है कि जो दूध है यहाँ पर, अब क्या है, टोटल अमाउंट क्या है दूध का, 2 है, और कुल अमाउंट क्या है दूध और पानी का, 5 है, 3 2 5, मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, ये 10 लीटर इसमें क्या कर देते हैं हम, 10 लीटर इसमें पानी मिला देते हैं। जब 10 लीटर इसमें पानी मिला देंगे तो ये टोटल एक्स हो जाएगा। ठीक है, टोटल एक्स हो जाएगा। अब क्या है, इसको सॉल्व कर लो, ये कट गया, ये कट गया, ये क्या हो जाएगा, 3x-30 = 2x। तो 3x-2x = 30, तो x = क्या आ जाएगा, हमारा 30 आ गया। ठीक है, तो बर्तन में मिश्रण की मात्रा ज्ञात करनी थी, यानी कि 30 लीटर आ गया। ठीक है, ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यानी कि जब हम दो मिश्रण लेते हैं जिसकी क्वांटिटी चेंज नहीं होती है, जिसकी क्वांटिटी जिस जो चेंज नहीं होता है, ठीक है ना, जो चेंज नहीं होता है, हम उसी पर बेस सवाल को लगाते हैं, उसी को लेकर के इक्वेशन बनाते हैं। ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा है, इस तरह से आपको ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आपके हो जाएंगे। बताइए कमेंट करके, यहाँ नीचे कमेंट करो, बताओ किस तरह से, कैसा लग रहा है आपको वीडियो। फिर आगे हम आपको और भी नए अच्छे कॉन्सेप्ट लेकर के आएंगे।